अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारी व्यूअर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैंगन है, दो अदद बैंगन लिए हैं, दो टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, और मैंने लिए 3 अदद प्याज। तो अब ये रेसिपी बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले तवा रखा, उस पर आयल डाला, आयल गर्म हुआ, फिर बैंगन को हमने गोल शक्ल में काटे हैं, इसको हमने इस आयल पर रखा है, ये इस पर तले जाएंगे। और जो इस पर ये तले जाएंगे तो आगे बताती हूँ, बहुत दिलचस्प होने वाली है वीडियो। तो प्यारी व्यूअर्स, क्या है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला ने तुम सुनवा दें। तो ये हमारी बैंगन तली जा रही हैं, जब ये तल जाएंगे तो आगे मैं आपको बताती हूँ हम क्या के साथ करने वाले हैं। और ये हमारी बैंगन तैयार हो रहे हैं, जब ये तैयार होते हैं तो इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अल्लाह ताला ने बैंगन में ख़ास तासीर रखी हुई है। बैंगन जो इस्तेमाल करते हैं, बैंगन जिस्म में कैंसर के तमाम असरात और जरासीम को ख़त्म कर देते हैं। और ये बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसमें वाफर मकदार में आयरन मौजूद होता है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हर सब्ज़ी फवाइद अता करे। जो इसके अंदर जो भी ताकते हैं हमें वो अता करे, और हमें हर सब्ज़ी से प्यार होना चाहिए। ये हमारी बैंगन तली जा रही है, हर सब्ज़ी जो रब ने उगाई हुई है इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास ताकतें रखी हुई है। एक बीज होता है छोटा सा, और उससे बैंगन का पौधा निकलता है। पौधे में कितने बैंगन लगते हैं और एक बैंगन में कितने बीज बनते हैं, इसको कहते हैं बरकत। जहाँ बरकत हो वहाँ पे खुशहाली भी आती है, जहाँ कसरत हो वहाँ पे खुशहाली नहीं होती। कसरत ख़त्म हो जाती है, बरकत नहीं ख़त्म हो जाती है। हमने दही लिया है, 1 कप दही लिया है, इसको हमने मैश कर दिया है। इसमें अब हम डालेंगे धनिया पाउडर और काली मिर्च। काली मिर्चें डालेंगे, पीसी हुई मिर्च पाउडर, और इसको हम मिक्स करेंगे। फिर आगे बताती हूँ कि काली मिर्चें हमने डाली, और इसमें हम थोड़ा सा पीसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे, थोड़ा नमक भी ऐड करेंगे, हसबी जायका नमक 1-1 चम्मच भी हमने ये पाउडर लिया है, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच और काली मिर्चें भी 1 चम्मच। तो ये और ज़्यादा वीडियो दिलचस्प होने वाली है। हमारी ये बैंगन हमारे ऊपर तलने को तैयार है, हम ये रेडी हो रहे हैं। अब ये हमने प्याज रखा हुआ है, इसके अंदर टमाटर है, थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी डाल दी हुई है। देखिए, बाज़ दफ़ा सालन में कच्ची हल्दी का जायका आता है, तो ऑयल में चली हल्दी डालनी होती है। ये हमने और मसाले ले लिए हैं, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, नमक और काली मिर्च, ताकि इसमें इतना ही जाएगा। और इसमें हमने टमाटर भी ऐड कर दिए, तो 3 टमाटर जो हमने बहुत आसान देखी थी। इसमें हमने थोड़ा सा और हल्दी का वो डाल दी थी, हल्दी में एंटीबायोटिक है और ये अंदरूनी जख्मों को, चोटों को ख़त्म कर देता है, जख्मों को भर देता है। बीमारी है जो अंदर उन जख्म होते हैं, मैदे में कहीं भी चोट आ जाए तो हल्दी से ठीक हो जाती है। और ये हमने इसमें हरी मिर्चें डाल दी, इस शेप में लंबाई की शेप में हमने डाल दिया। अब हमने इसको डाप लिया है, और ये दम पे ये मसाला पकेगा। ये मसाला हमारा तैयार है, अब ये मसाला हम निकालेंगे। यहाँ पे हमने इसको निकाल दिया हुआ है, और अब देखें आपको और दिलचस्प वीडियो मिलने वाली है। इसमें हम थोड़ा सा मसाला रहने देंगे, थोड़ा सा मसाला रहने देंगे, सारा नहीं निकालेंगे। बहुत प्यारी रेसिपी है, और कितना हमने इसमें रहने दिया वीडियो प्यारी। अच्छा,
अभी इधर शाम झाड़ू लेके बैठी और इसमें हमने व्यंजनों को इस तरह करने से हमने ये दही डाल दिया है। अभी बैठी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं अभी आप देख लें हम अब क्या करने वाले हैं। हमने इसके ऊपर ये अभी इधर शाम झाड़ू लेके बैठी हुई थी और ये तेल लगा दी है व्यंजन की। अभी बैठी हुई थी वहाँ तो इसका बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो हम इसके साथ अब क्या करने वाले हैं ये और दिलचस्प होने वाली है। अब इसके ऊपर हम ये मसाला लगाने लगे हैं मसाले की देखते हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं और इसके साथ अब फिर हम क्या करने लगे हैं अभी आप देख लेंगे। तो एक ते नीचे सबसे पहले मसाला उसके बाद दही फिर बैंगन और इसके ऊपर ये मसाला और इसके ऊपर ये दही हमने लगा दिया तो फिर और दिलचस्प होने वाली है हमारी वीडियो। और इसके साथ ये हम फिर इसके साथ भी बैंगन रखेंगे और हमने फिर बैंगन की तेल लगाई इसके ऊपर हम ये सारा दही डाल दिया और अब ये और दिलचस्प होने वाली है देखते जाएं और इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं और हमारी तकरीबन ये तैयार होने वाली है। इसको हमने ये पीछे लगा दी है और ये हमने इसको तैयार कर लिया है। ये सबक धनिया भी डाल दिया है